मैं इस टाइम वास्को होटल से बैठे बैठे मैं बोर होगी, सो आई केम आउट। और फटाफट हम लोग पहुंच गए शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। बड़ा सजा धजा रखा हुआ था भाई, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कलर्स की बाल्टी ने भर के आंखों में डाली हो। यहाँ पे मैंने फोटो खिंचाई, खिंचाने के बाद मैं भाग ली सीधा अपने फेवरेट झंडे की तरफ, और वो झंडा था, मेरे को खुद को पता नहीं चला एक बार तो, फ्रांस का झंडा। सवेरे सवेरे 4:30 बजे इन लोगों को आग लगी है, इन लोगों को भी मेरे साथ गोवा जाना है। और भाई ये वाली चीजें आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, चुपचाप लाइन में खड़े हो जाओ और अपनी चेकिंग करवाओ। चेकिंग करवाने के बाद वही चंपू का मैंने भी किया जो सारे करते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंच के सारे प्लेन्स के साथ वीडियो, अंदर बैठ के भी मैंने उसके साथ वीडियो बनाई, जरूर बनाई। सवेरे सवेरे कितना टाइम हो गया, 8:41 पे ब्रेकफास्ट करे जा रहे हैं। दिस इज माय सिंपल सीधा साधा ब्रेकफास्ट इन लॉट ऑफ पब्लिक, आई एम लविंग इट यू नो। चेक इन जाले अद्धा घंटा पे, सो प्रॉफिट द टाइम, केले खाए जाएंगे टर्मिनल 2 पे बिफोर माय फ्लाइट। चेक इन वाले टाइम पे थोड़ा जा, मैं जरा केले खा ला, 2 केले पे मैं फिनिश करने हैं। यहाँ पर भी मैंने एक पक्का शॉट ले लिया हंसते मुस्कुराते हुए, थोड़ी सी स्टाइल मारते हुए। सारे लोग उड़ते हुए प्लेन की वीडियो बनाते हैं तो भाई मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, उड़ता हुआ प्लेन हमने भी शूट कर लिया। सो फाइनली आई रीच्ड गोवा, ते नाउ बुक द कैब, गवर्नमेंट एप्लीकेशन है गोवा वाइज, यू कैन बुक थ्रू द एप्लीकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू माई होटल, पहले जाके नहाना है, इट्स सो हॉट ओवर हियर, एंड देन फिर वी गो फॉर सम लंच समवेयर, नॉट इन द सेम होटल, मे बी इन द सेम होटल बट समवेयर, मे बी लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स स्टार्ट गोवा। रूम मिल गया जी, आई हैव गॉट द रूम ऑलरेडी, सामान भी रखता, दिस इज द बेड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टीज आई नॉर्मली लिव इन वेन एवर आई कम टू गोवा। ओके आई वॉज बींग सो स्टूपिड, दिस इज द व्यू, हाई दिस इज सो हॉट, टिपिकल गोवन लुक, दिस इज टू कैच द फॉलोइंग किया हो कोको कोकोनट। चलो टॉयलेट एंड व्हाट इज देयर, ओके रजाइया, दैट्स इनफ। कुछ जरूर तो ज़्यादा मैं डिमांड रख ली, दिस इज रोटी गोवन थाली। चलो लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मीठा। I was desperate to do this, desperate. But basically I want Keralite thali. That is my first choice. Keralite fish or Keralite chicken biryani. Oh my god, amazing. Bahut swaad. Main is time Vasco and hotel se baithe baithe main bore hogi. So I came out. Aur idhar hai Hindustan Petroleum de official जो भी है पेट्रोलियम कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह वगैरह, दिस इज देयर प्लांट, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, मैं कुछ नहीं आइडिया मैं कितने चली हूँ कितने नहीं चली हूँ, बट आई एम गोइंग समवेयर। रोड इज खाली, देयर इज नो तुप, लेट्स कीप ऑन गोइंग एंड सी वेयर वी रीच। चलते चलते आई हैव रीच्ड, ओ बल्ले सड़क बनाती, गुड, पहले थे सड़क नहीं सी, आई न्यू मैंने पता सी है क्लोजेस्ट सन सनसेट पॉइंट है, सौला कुत्या तू सौला सुस्ती आलसी रात में जागूगा है, बल्ले बल्ले बोट्स, आय हाय हाय, उधर भी बहुत किश्तियाँ ने, पर मैं थले नहीं जाना, मेरे कपड़े खराब हो जाने, रेता ही रेता आ जाना। चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट टू डू। ते आज की शाम समंदर दे नाम, आए हाय हाय हाय, डूबदा हुआ सूरज, सोना जा व्यू, लोग है नहीं बिकॉज ये कोई टूरिस्टिक बीच नहीं हैगा, दिस इज अ बीच वेयर दीज पीपल प्रिपेयर, मेरे पीछे ही हैं दो लगे हुए मछेरे कप, दे यू सी देम देयर, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आई थिंक टुमारो, दिस इज नॉट अ टूरिस्टिक बीच नॉट एट ऑल फॉर दीज फिशरमैन बेसिकली। सो नाउ आई अगेन गो फॉर सम फूड शाम में,
आई रियली वॉन्ट टू ईट मेरे कोल तक आई है बेब। थोड़ी देर रुकूंगी, थोड़ी देर नजारे लूंगी। बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू आर ऑफ द कैमरा एंड यू वांट टू शूट देम बट यू कुडंट शूट देम, तो इधर चीजें हो जाती हैं। एनीवेज मैं तो थोड़ी देर रुकूंगी, आई जस्ट रिलैक्स एंड बस आई ईट फूड। आई वांट टू ईट बेसिकली गोवन क्यूजीन, टिपिकल गोवन क्यूजीन, बेसिकली दैट इज फिश करी। आई सी माई फूड yum yum, that's so yum yum, but I don't eat animals these days. उसके बाद हम लोग घुसे शाम को अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे के इर्द गिर्द इस मार्केट में। इस मार्केट में आपको ज्वेलरी वाली दुकानें भी मिलेंगी, आपको टेक्नो वाली दुकानें भी मिलेंगी, आपको स्कूटर भी मिलेंगे, आपको कारें भी मिलेंगी, आपको इंसान भी मिलेंगे और हाँ, कुत्ते बिल्ले भी जरूर मिलेंगे पूंछ हिलाते हुए। और यहाँ पे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं और ये फेमस बेकरी भी है, बेकरी में बहुत ज़्यादा लोग भी थे। और मैंने ये भांति भांति प्रकार के ब्रेड देखे और मेरा दिल बहल गया। इन बहुत सारे केक्स को देख के मैंने भी एक केक लिया और खाया। मार्केट बहुत बड़ी है एंड इट्स वेरी हसलिंग बसलिंग। अभी आई एम जस्ट गोइंग बैक टू होटल बिकॉज सम ऑफ माई कंपेनियंस हैव कम। आई विल मीट देम, टॉक टू देम आफ्टर लॉन्ग टाइम। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस मार्केट। बाकी नज़ारे लेंदे हुए आई एम गोइंग बैक। डिनर करना कुछ प्रॉपर, आई डू दैट लेटर। सो पुराने ज़माने की तरह ये किसी ने अपनी रेडी लगा रखी थी फर्श के ऊपर ही, मतलब सड़क के ऊपर ही। मार्केट घूमने के बाद हम लोग शाम को चले गए वापस कमरों में सोने के लिए।